गाइस आज आप देखोगे एक ऐसी वॉच जिसमें ईयरबड्स भी रहती हैं, हाथ के इशारों से हवा में उड़ने वाला बूमरैंग स्पिनर एंड कुछ फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स जो आपके घर के काम खुद कर देंगे, आपको बस आराम करना है। सो वेलकम टू गैजेट जोन दोस्तों, एंड चलिए बिना एक और सेकंड वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। एक सेकंड तो हो ही गया। एंड वीडियो की शुरुआत होगी आज म्यूज एंड वाइल्ड गो से। स्टाइल में रहना आजकल किस लड़के या लड़की को नहीं पसंद। आउटडोर से जब भी हम कहीं जाते हैं तो क्लोथ से लेकर शूज एंड बैकपैक वगैरह सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है हमारे पास। ऐसे में मिलिए इस आउटडोर स्पीकर से। ये एक छोटा सा रगेड ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, जिसे बाहर जब भी जाओगे आप अपने साथ ले जा सकते हो एंड इसमें एंजॉय कर सकते हो अपना फेवरेट म्यूजिक, अपने फेवरेट गाने, वो भी लाउड वॉल्यूम में। एंड दूसरे आम ब्लूटूथ स्पीकर की तरह ना ही ये लुक्स में है ना ही ऑडियो क्वालिटी में। लुक्स इसके साईफाई वाले रहते हैं, वहीं ऑडियो क्वालिटी एंड खास करके बेस इसका इसके साइज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा मिलता है। एंड क्योंकि ये इतना छोटा रहता है साइज में तो इसे आप अपनी पॉकेट वगैरह में भी रख सकते हो। सो बेसिकली ये कूलेस्ट गैजेट है आउटडोर्स अपने फेवरेट सॉन्ग्स एंड म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए। अब मिलिए इस छोटे से क्यूट से रोबोट से जिसका काम होता है बियर्स को ट्रांसपोर्ट करना। ये एक बियर डिलीवरी रोबोट है दोस्तों। इसमें एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी रहता है, बेसिकली जिसे आप एक फ्रीजर भी कह सकते हो। इसमें आप आइस डाल सकते हो एंड बियर के कैंस रखे जा सकते हैं उसमें, और ये उस बियर को चिल्ड रखता है एज वेल एज इधर उधर जाकर लोगों को दे भी देता है। घर पर अगर पार्टी चल रही है एंड ढेर सारे फ्रेंड्स आए हैं तो हर एक के लिए आपको बार बार फ्रिज से बियर निकाल कर लाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप इस रोबोट पर छोड़ सकते हो। इसमें आप एक बार में 12 कैंस रख सकते हो। ये आपको फॉलो करते हुए आपके साथ चल सकता है, तो आप जहां जहां भी जाते जाओगे ये आपके पीछे पीछे आएगा एंड फ्रेंड्स आपके इससे बियर कैंस को निकालकर उसे एंजॉय कर सकते हैं। जीपीडी विन मैक्स 2। अब गॉड ऑफ वॉर से लेकर वैलोरेंट और साइबरपंक से लेकर हेलो इन्फिनाइट, ये सारे हाई एंड गेम्स आप इस कूल गेमिंग लैपटॉप पर खेल सकते हो, या कहें कि हैंड हेल्ड गेमिंग लैपटॉप पर। इसमें होती है 10.1 इंचेस की बेजललेस डिस्प्ले। रैम के भी दो वेरिएंट्स होते हैं, 16GB एंड 32GB, और 1TB या 2TB की NVMe SSD में से आप अपनी मनपसंद ले सकते हो। अगर आप एक PC गेमर हो तो जाहिर है अभी के हाई एंड गेम्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं स्पेक्स के मामले में, ये बात आपको पता ही होगी, एंड उन्हें खेलने के लिए लाखों का गेमिंग PC बनवाना पड़ता है, और वेल उस PC को तो आप अपने साथ लेकर कहीं जा भी नहीं सकते। वहीं GPD Win Max 2 की बात करें तो इसे आप अपने साथ एक आम लैपटॉप की तरह से कहीं भी ले जा सकते हो। गेमिंग के लिए अलग से आपको इसमें गेम पैड लगाने की भी जरूरत नहीं रहती। इस लैपटॉप में ऑलरेडी गेमिंग के लिए बटन्स एंड जॉयस्टिक्स वगैरह पहले से ही मौजूद रहती हैं, एंड पीछे की तरफ ट्रिगर्स भी रहते हैं, यानी पूरा का पूरा एक गेम पैड वाला एक्सपीरियंस ही इसमें भी आपको मिल जाएगा। फ्लाई नोवा प्रो। अब मिलिए इस RGB फ्लाइंग बूमरैंग स्पिनर से। ना सिर्फ इसे आप फ्लाई कर सकते हो डायरेक्ट अपने हाथ के इशारों से, बल्कि काफी ऑसम ट्रिक्स भी की जा सकती हैं इससे। ये देखने में एक हॉलो स्फीयर जैसा होता है। उड़ते टाइम ये बराबर स्पिन करता रहता है एंड हवा में अपना बैलेंस भी परफेक्टली बनाए रहता है। मैंने इसे एक बूमरैंग क्यों कहा, क्योंकि जैसे बूमरैंग को थ्रो करने पर वो उड़ते हुए थ्रो करने वाले के पास वापस आ जाता है, ठीक उसी तरह से फ्लाई नोवा प्रो भी उड़ते उड़ते ही आपके पास वापस आ जाएगा। तो बेसिकली इंडोर्स या आउटडोर्स एंजॉय करने के लिए ये काफी सही गैजेट है किड्स एज वेल एज एडल्ट्स दोनों के लिए ही। किड्स के लिए तो खास कर ये बहुत सही रहेगा बिकॉज इसके चलते वो फोन से थोड़ा दूर रहेंगे एंड रियल एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रख पाएंगे। वियरबड्स वॉच। अब मिलिए उस स्मार्ट वॉच से जिसका वेट आप सभी वीडियो के स्टार्टिंग से कर रहे थे। देखो स्मार्ट वॉच एंड ईयरबड्स ये दो ऐसे गैजेट हैं जिन्हें आजकल ऑलमोस्ट हर कोई लेता ही है, बट इन्हें अलग अलग परचेज करके पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है जब आप इन्हें एक साथ ले सकते हो इस एक गैजेट में। एक तरह से वियरबड्स वॉच 2-in-1 है, स्मार्ट वॉच भी एंड ईयरबड्स भी। जब भी आपको म्यूजिक सुनना हो तो इस वॉच में से ईयरबड्स को निकालो, कान में लगाओ एंड सुनो अपने फेवरेट गाने, और एक स्मार्ट वॉच के भी सारे ही फीचर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरी तरह से आप इससे अपनी फिटनेस को ट्रैक कर पाओगे। अच्छा भले ही इसमें ईयरबड्स स्टोर रहती हैं, फिर भी इसका साइज काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखा गया है, मतलब दूसरी स्मार्ट वॉचेस जैसा ही नॉर्मल साइज रहता है इसके डायल का भी। तो ओवरऑल गाइस स्मार्ट वॉच एंड ईयरबड्स ये दोनों ही इंपॉर्टेंट गैजेट्स अब आपको सिर्फ एक गैजेट में मिल जाएंगे जिसका नाम है ईयरबड्स वॉच। रोबोट तो वही काम का है जो एक्चुअल में घर के छोटे मोटे काम करे डेली लाइफ में, एंड लैब्राडोर रिट्रीवर रोबोट ठीक ऐसा ही करता है। एंड ये एग्जैक्टली करता क्या है, तो ये एक रिट्रीवर रोबोट है, यानी मान लो आप बैठे हो एंड कुछ खाने पीने का सामान या मेडिसिन वगैरह आपको चाहिए तो आपको नहीं उठना पड़ेगा, ये रोबोट वो स्टफ उठाएगा, अपने ऊपर रखेगा एंड आपके पास पहुंचा देगा। देखा जाए गाइस तो सीनियर सिटीजन जो कि अकेले ही रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए ये रोबोट बिल्कुल परफेक्ट है। एक तरह से उनका पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा ये। छोटे मोटे कामों के लिए इसके रहते आपको उठना भी नहीं पड़ेगा, वो सारे काम ये खुद कर देता है। इसे आप आवाज देकर बुला सकते हो, उसके लिए बस आपके पास एलेक्सा होनी चाहिए।
तो घर के काम अकेले करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, तो उसमें क्यों ना इस इंटेलिजेंट रिट्रीवर रोबोट की मदद ले लो आप। क्लिकबॉट बाय की टैग। अब क्लिकबॉट क्या है? वेल, इसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है शायद, क्योंकि ये रोबोट कुछ भी बन सकता है, एक कार, एक पपी, मतलब जो भी आप इसे बना दो वो बन जाएगा ये। लेकिन हाँ, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये किड्स के लिए बनाया गया एक कोडिंग रोबोट है, जिससे किड्स कोडिंग सीख सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फन वे में। वैसे भी आने वाला टाइम कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग का ही है। वैसे ये रोबोट पीसेस में आता है जो कि आपस में क्लिक करके जोड़े जा सकते हैं, एंड बच्चे इससे नई नई चीजें तैयार करके उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसे प्रोग्राम करके या कहें कि कोड करके इससे अलग अलग तरह के फंक्शंस भी कराए जा सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो ये बच्चों के लिए है, लेकिन इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के साथ ये हर एज के लोगों को पसंद आएगा। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये रोबोट इतने अच्छे से परफॉर्म कैसे कर लेता है, तो इसका जवाब है इसका 5 GHz का ब्रेन, इसीलिए ये रोबोट इतना स्मार्ट है। स्कीवो ब्रो। देखिए, व्हीलचेयर्स बनाई गई थी लोगों की मदद के लिए, जिनके पैरों में दिक्कत आ जाती है उनके लिए। लेकिन नॉर्मल व्हीलचेयर्स की भी अपनी बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, बस वो चल ही सकती हैं, ना स्टेयर से उतर सकती हैं, ना ही उबड़ खाबड़ रास्तों पर जा सकती हैं। तो अब इन सारी लिमिटेशंस को खत्म करती है ये पावर व्हीलचेयर। ये है स्कीवो ब्रो, एक सुपर हाईटेक व्हीलचेयर। किसी भी तरह के रास्ते पर तो ये चल ही सकती है। साथ ही अब ये देखो जरा आप, यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है ना। वेल, ये व्हीलचेयर स्टेयर्स पर से भी उतर सकती है, यानी इसकी मदद से मॉल्स में आराम से शॉपिंग करने भी जाया जा सकता है, और थोड़े बहुत अनइवन रास्तों पर भी जाया जा सकता है। तो देखा जाए तो जहाँ नॉर्मल व्हीलचेयर्स थोड़ा बहुत ही चल पाती हैं, स्कीवो ब्रो फुल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देती है हर जगह की। रॉकी। अब जब आप अपने कॉलेज या ऑफिस वगैरह चले जाते होगे, तो घर पर आपका पेट तो अकेला रह जाता होगा, है ना, तो उसके साथ खेलेगा कौन? रॉकी ये है पेट्स के लिए बनाया गया एक स्मार्ट कंपेनियन, उसका बेस्ट फ्रेंड आपके बाद ऑब्वियसली, एंड एक रोबोट। ये रोबोट पेट्स को बिजी और एंटरटेन्ड रख सकता है, जिससे वो अकेला फील नहीं करेंगे। और आप कहीं भी हो, कहीं भी बाहर घूम रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, इससे आप अपने पेट्स को देख सकते हो, उन पर नजर रख सकते हो। रॉकी में 4 मैकेनम व्हील्स और ऊपर की साइड एक टॉय आर्म रहती है, जिससे वो पेट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, उनके साथ खेलता रहता है। और सबसे अच्छी बात, ये पेट्स को ट्रीट भी देता रहेगा टाइम टू टाइम। लूमी लाइफ। एंड आज का आखिरी गैजेट है एक रोबोटिक एक्वेरियम, जिसमें रहती है एक रोबोटिक फिश। अब पर्टिकुलरली मेरी बात करो तो मैं तो एक असली एक्वेरियम लेना ही पसंद करूंगा, लेकिन यार लोगों की चॉइस अपनी अलग अलग रहती है, एंड बात ही फिर गैजेट्स की चल रही है, सो या ये भी अपनी जगह पर काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें शो होने वाली फिश के काफी सारे फीचर्स आप सीधे अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, एंड उन्हें बदल भी सकते हो, लाइक फिश का कलर, उसका नेम, एज, ये सारी चीजें। तो इस रोबोटिक एक्वेरियम के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड साथ ही दोस्तों, वीडियो को करके लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशंस को भी जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।